हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट भाग्यश्री। इंडिसेन की बॉलीवुड गॉसिप में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। रानी मुखर्जी ने पुलिस ऑफिसर्स के लिए होस्ट की बर्दानी 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग। रानी मुखर्जी ने कहा कि मुझे पुलिस ऑफिसर्स से कई कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं जो मेरे लिए बहुत खास है। आज यहाँ पर आप जितनी लड़कियाँ देख रहे हैं ये सब शिवानी रॉ है। जरूरी नहीं कि आप वर्दी पहनकर ही रूप दिखा सकते हैं, हर लड़की में एक दुर्गा है, एक मर्दानी है। चुलबुल पांडे और शिवानी रॉय के बीच में डिफरेंस क्या है पूछने पर रानी ने कहा कि चुलबुल पांडे एक मेल पुलिस ऑफिसर है और शिवानी एक फीमेल ऑफिसर। मैं पुलिस की सुपरिटेंडेंट हूँ और वो सिर्फ 2-स्टार पुलिस है, मैं उनकी सीनियर हूँ। रानी ने कहा कि ये नेसेसरी नहीं है कि हर एक को सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए पुलिस ऑफिसर बनना चाहिए, हर एक लड़की शिवानी रॉय है। मैसेज आपको बराबर मिला ना, बस वही चाहिए, मैसेजिंग बहुत जरूरी है। और ये देख के हमारे देश की जितनी बहनें हैं, लड़कियां हैं, सबको अवेयर होना पड़ेगा कि इस तरीके का खतरा हर मोड़ पे उन्हें मिल सकता है। इसलिए सतर्क रहना, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है कि नहीं? क्योंकि पुलिस हर जगह तो पहुंच नहीं सकती उसी टाइम, इसलिए जरूरी है कि जब तक आप पहुंचे तब तक वो अपने आप को सुरक्षित रखे और अपने आप को बचाए, बहुत जरूरी है। हाँ हेलो मैम। हेलो डार्लिंग। और ऐसे ही फिल्म बना तो की जाने के हम लोग इंस्पायर हो सके, बस सिर्फ आप ही के लिए है ये। यस, मैं तो चाहती हूँ कि और लड़कियाँ पुलिस फोर्स में आए। शिवानी शिवाजी का रूप आप ही का रूप है, आप सबका रूप है, सबका मिश्रण है। बस ऐसे ही आप लोग दुआ करते रहिए और आगे चलकर और मर्दानी आएगी। क्रिटिक चॉइस शॉर्ट्स एंड सीरीज अवार्ड मुंबई में देखने को मिला। हम आपको बता दें कि ये प्लेटफॉर्म शॉर्ट फिल्म सीरीज जैसे एक्टर को फेलिसिटेट करता है। प्रेजेंट सभी ने माना कि लाइफ में क्रिटिक्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रिटिसिज्म से आप ढेरों सारी नए बातें सीखते हैं। इसके अलावा सभी ने अपने अपने न्यू ईयर और क्रिसमस की प्लानिंग भी बताई। जरूरी है, बिकॉज अगर नहीं करोगे क्रिटिसाइज करना जरूरी है, अगर आप नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, तो अगर आप वो जान पाओगे तो आप आगे बढ़ोगे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ, मैंने किसी रेस्टोरेंट में काम नहीं किया। मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आज परफॉर्म कर रही हूँ और मुझे बुलाया गया है। मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। ओके, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी छपा। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट मेघना एंड दीपिका फॉर ए मेकिंग दिस फिल्म, फॉर टैकलिंग दिस। इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फिल्म एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग वॉट इज डन एंड द फैक्ट ऑफ वॉट इज सेइंग, बिकॉज इफ दे कैन मेक अ चेंज in the system and make sure that women can be helped and saved, nothing like it. I can't wait to see it and I really congratulate both of them. I think it's also their first producing venture, so I wish them the best. Dekho ji, shuru karo, ati haan haan kar. Good evening, good evening. Okay, so here's the thing. I'm hosting tonight, so I have I already know who's winning and who's not. So you're asking the wrong person. But yeah, as of yesterday, I know who the winners are. So and each one of them is super well deserved. Yeah. Tough.
tough. I have to say Inside Edge 2 will come in the 2020 nominees on the nominations. Yeah, because we just released. Yeah. And next year I'll be surprised if he's not one of the nominees, because I'm kind of already thinking of leaving Angad for Arvind Vashisht. That's a part he plays in Inside Edge before you start thinking otherwise. Okay, that's fine. Sorry. Baat nahi hai. Uski baat hum roadies. All right, thank you. Well, it's been really great because firstly, thank you to everybody who's watched Inside Edge Season 2, who folded hands with a lot of gratitude. Thank you for giving us all the love to my character, Arvind Vashisht. It's been a wonderful journey. It's literally the Rise of the Phoenix, second half, coming back. It's been extremely emotional. This is my ode to my dad. So Arvind, my dad always wanted me to be and present myself like Arvind. I think it's been an extremely fulfilling year. Thank you so much to all my producers, to all my filmmakers. Yeah, I've had 3 releases this year. Inside Edge 2 being the third one. Next year I start off with Gunjan Saxena, the Cargill girl. We have a 13 March release. And then there's going to be Mumbai. So I have a new producer in Ekta Kapoor. I'm back here again. No comment on that. And I hope not just 3. God willing, 4, 5, 6, 7, 8, whenever. Yeah. I have a lot of fun here and I actually skipped through the whole thing, so I'm very excited to be here today. My take on OTT is that it's great, it's a completely new medium and it's growing, and I'm very grateful to OTT. Yes, and please watch all our shows on OTT. thank you so much, thank you. I think it's going to be a spectacular evening. The awards are going to be really a lot of fun. Maze ki baat to ye hai ki aaj sabko 5 stars milne wale. And it's great to see so many friends, so many critics, so many people who I've seen grow over the years, who've seen me grow over the years, now coming out and organizing this solid award ceremony and celebrating the short form. To celebrate short films, series, web series and stuff like that. I think it's going to be a fantastic night and a great beginning. First of all, congratulations to Bharati Pradhan, Anupama Chopra, Rajiv Masand and the whole gang. They're stalwarts, they've been around for 4 years writing about film industry. And right now they are the right people to get the award to the best of the best. And I'm really happy that I'm here where in an award, I say award mein aaya hoon yahan pe matlab asli log baithe le. तो मेरे को अच्छा लगा यहाँ मतलब टोपी नहीं टोपी बन जाएगा मगर असली लोग है भारतीय तो समझ गया ना तो गेम बड़ा है ये गेम सीरियस है ये इतना पतला रखे लेके कोई जीत के सर्वर फोड़ देगा वे ये पहले तो ये प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है जिसमें खड़ा हूँ पीछे आगे देखेंगे तो भारी पड़ेगा बाकी मैं सीरीज वीरीज का मतलब मेरे को मैं क्या है कि आई लाइक टू वर्क मौका नहीं मिलता है देखने का क्योंकि काम में इतना मशरूफ रहता हूँ कि सीरीज देख नहीं पाता हूँ इट्स ऑलराइट बट हाँ क्या बोलूँ बाकी यार कितना जवाब दूँ कितना क्रिटिसिज्म भाई उनका काम वो करता है आप उन अपना काम बराबर करें उनको कुछ किसको चांद दिखता है किसको चांद पे दाग दिखता है भाई ये नहीं बोलू अपन अपना चलते रहे अपना लाइन बराबर बनाते रहे किसको सुनने का इसको मुंह पे कान से निकाल इधर से मतलब दाल इधर से निकाल वो है भाई अपना गेम यू अंडरस्टैंड बोलने वाले बोलते हैं अगर सीखने वाले सीख ले उससे कि बोला अच्छा ये है अगर एक्चुअल अच्छा क्रिटिसाइज मतलब अच्छी बातें बताएं सिखाएं क्रिटिसाइज क्या करना इंसान का काम है क्रिटिसाइज करना भावा मगर कुछ क्रिटिसिज्म में कोई अच्छाई भी ले लेना चाहिए ये नहीं कि खाली क्रिटिसाइज करते रहे और अपने वर्ड से इतना कैरिड अवे हो जाए कि क्या मैं लिखता हूँ ना वैसा नहीं होना चाहिए
असली हकीकत लिखे तो वो हकीकत सीखे, समझा बड़ू? बाकी ज्यादा पकाऊंगा नहीं, क्या और? करीना कपूर ने व्हाट वुमेन वांट सीजन 2 इस टॉक शो की शूटिंग कंप्लीट की है। इस मौके पर करीना ने मीडिया से की खास बातचीत। करीना ने बताया कि वुमेन का पेट कभी नहीं भरता है, उसे हमेशा कभी न कभी कुछ न कुछ चाहिए होता है। हम आपको बता दें कि करीना ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पूरे 20 ईयर कंप्लीट कर चुकी है। इस बात को लेकर करीना कपूर बहुत ही एक्साइटेड है और अभी भी कंटिन्यू ढेरों सारा काम करना चाहती है। इसके अलावा करीना कपूर के इस सीजन में सैफ अली खान, कार्तिक आर्यन जैसे ढेरों सारे मेंस की भी एंट्री होने वाली है। करीना कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म गुड न्यूज को लेकर भी बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि ट्रेलर और गानों को बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू मिल रहा है। The first time we ever conceptualized a show to figure what women really want. The first time we had guests like Prajakta Kohli, Malaika Arora, Zoya Akhtar, Sunny Leone. I mean, so many people here. All the memories must be coming back right now, na? Very, very special, of course. But I think season 2, we've really, really killed it. The entire team, the way they've come up with this kind of a concept, because, you know, we're talking with people more. आज इतने सारे इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे शो पर आए हैं, जैसे आज तीनों जो इंटरव्यूज हुए, चाहे वो तापसी पन्नू की थी, मालिनी अग्रवाल थी, आपकी और को अ जर्नलिस्ट हु वाज देयर एंड आई वाज लाइक यू नो शी वाज लाइक दिस इज लाइक रोल रिवर्सल हैपनिंग राइट नाउ। वी हैड सो मेनी पीपल एंड देन द वंडरफुल सोनाली बेंद्रे, अपनी इतनी अलग अलग फील्स के अलग अलग कहानियों से हम सामने लाए हैं फॉर पीपल टू हियर देम with their heart-wrenching stories. I think it's been, this season has been, I think, an eye-opener, not for me, I think it's going to be an eye-opener for millions and millions of listeners out there. And, you know, I'm actually proud to be an RJ. That's what I want to know. That's talking about women. I mean, you know, this is just fabulous because... What is this, guys? Hum sab, you know, hum, बात करते हैं कि यू नो औरत को ये चाहिए वो चाहिए, औरत को वैसी होनी चाहिए वैसे होना चाहिए, औरत को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ये करना चाहिए, बट औरत को एक्चुअली क्या चाहिए, ये आई थिंक हम वो सवाल यू नो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते। एंड दैट इज़ व्हाट माय शो इज़ अबाउट, दैट टू ब्रिंग आउट स्टोरीज, टू ब्रिंग आउट थिंग्स दैट एक्चुअली व्हाट वी वुमेन। कोटक महिंद्रा के टेनिस प्रीमियर लीग के इनॉग्रेशन में बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे रहे मौजूद। मृणाल जैन और कुणाल ठाकुर, जिन्होंने पिछली बार टेनिस प्रीमियर लीग स्टार्ट की थी, उन बच्चों के लिए जो पॉजिटिवली टेनिस प्लेयर बनना चाहते हैं और अपना टैलेंट शोकेस करने प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, वहीं अब वापस स्टार्ट हो गया है टीपीएल का सीजन 2। जी हां, हाल ही में हुए दिल्ली ऑडिशन के बाद अब टीम्स फॉर्म हो चुकी है और सेलिब्रिटीज टीम्स को सपोर्ट और ऑन करी है। जहां बॉलीवुड स्टार राहुल प्रीत ने हैदराबाद स्ट्राइक ऑन की है, वहीं सोनाली बेंद्रे पुणे वॉरियर्स को ओन करी है। सिर्फ स्टार से नहीं बल्कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जैसे टी सीरीज की दिव्या खोसला कुमार दिल्ली बेनी ब्रेगरेट को ओन करी है। वहीं टेलीविजन के फेमस प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी पंजाब बुल्स को ओन करे है और सभी सेलिब्रिटीज ऑनेस्टली अपनी कमर कस ली है, क्योंकि मैच चालू होने वाली है और तो और सभी बहुत एक्साइटेड है सीजन 2 की जीत हासिल करने भी। मैंने खेलती थी अब सो आई स्टिक टू आई डिडंट प्ले टेनिस। यू नॉट लाइक अस जिन्होंने 5 साल खेला है, लेकिन आज डिएंड्रे के साथ खेलने के लिए हम लोग बोल रहे हैं हम लोग सेमी प्रोफेशनल है। वी ट्राई दैट इन लाइव। आई कांट लाइव विद लिएंडर, सो आप लोगों का झूठ पकड़ा जाएगा। आई डोंट वांट टू डू दैट। It's a real honor to be here. I'd like to thank all of you all for coming out this evening. These two guys over here have actually done a phenomenal job to make sure that all of us are here. And for me to come out this evening to see that the love that these guys get, the way they brought all of us out, is really special. So I really want to congratulate both of you for putting the show on. I'm not actually. Really? But I must say, Kunal is a lovely person. He, you know, taught my son, and my son did stick to playing tennis, but I really liked Kunal, and I thought he had a great energy and great vibe, and he was so amazing with the kids and so dedicated that when he came to me, I said, you know, if you're doing it, and of course Lee is part of it, I'm on. Yeah, I mean, that was true.
This is fantastic, but I think it is a lesson for so many people that will assume that, you know, maybe behind your scripts and behind the music and making those magnum opuses and in your head. But this is fantastic. So are you a regular tennis player? Because you're playing the exhibition match also, so I assume that you are. I've been playing and I learned from Kunal. So that's why I'm here, and I'm an accidental filmmaker, but sports my passion. Sport tennis, it's one of my favorite games, and it's wonderful to see all of you, the media, everyone here present, everyone who's backed all these teams, Sonali, okay, or even Leander, and it's really, really wonderful to be here. It's one of my favorite games. I was supposed to play today, but then Leander gave me lots of money and he said, beta, aaj mat khelna yaar. But we'll have you back. But I'm quite excited about it at the moment because obviously season 2, it's going to be grand, it's going to be big. It is, as you can see, it's lavish at the moment. And season 1, when I came here, I think they were starting off. And it's so good that they have done it. That is why season 2 has come. And I'm quite excited and I'm quite looking forward to congratulate Kunal. And Kunal for the efforts they're putting. I think it's brilliant. Very, very excited because, you know, there is so much talent in our country. Itne sare talented tennis players hain jo Olympics mein jeete hain, Asian Games mein jeete hain. Phir bhi India mein tennis as a sport itni zyada promote nahi hoti, itna platform nahi milta hai. So I'm so excited to be a part of Tennis Premier League and especially partnering with Sneh Binny ji for my team Delhi Binny's Brigade. Main khud bhi Delhi se hoon aur Delhi ki team ko main support kar rahi hoon, so I'm very happy. बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मीठे खबरों के साथ। अलविदा।